सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द किंगडम फंजाय. अब फंजाय के बारे में, फंगस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो किंगडम फंजाय होता है उसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हम लोग के इंक्लूडेड होते हैं. क्या कभी सुना है कि कोई भी फंगस हम लोग की अपना खाना खुद से बना रही है? कभी सुना है कि वो फोटोसिंथेटिक हम लोग के पास है? नहीं सुना ना कभी भी. तो हमारे पास ये वाली जो किंगडम होती है वो हेटेरोट्रॉपिक यहाँ पर होती है और बहुत ज़्यादा मॉर्फो जी के अंदर और अपने हैबिटेट के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होती है. मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के आप लोगों को यहाँ पर फंजाय मिलेंगे. किन किन हैबिटेट्स में वो रहती है वो आपको मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, ब्रेड खाया है कभी उसके ऊपर कुछ मोल्ड हो जाती है. मतलब अगर उसको आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, ब्रेड को यूज़ मत करना, उसको रखे रहना काफ़ी दिन तक, तो आपके ब्रेड के ऊपर वहाँ पर फंगस लग जाती है. जो आपके संतरे हैं वो भी क्या कर जाते हैं, रोट हो जाते हैं, उनके ऊपर भी फंगस आपके लग जाती है. कॉमन मशरूम जो आप खाते हो, टॉडस्टूल्स जो आप खाते हो, ये भी फंगस ही होती है. मतलब दी हम लोग जो मशरूम खा रहे हैं वो हम लोग फंगस खा रहे हैं? हाँ जी, आप लोग फंगस खा रहे हो. तो आपके पास क्या क्या हो गया यहाँ पे? सबसे पहली बात, जो फंजाय होती है वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, काफी ज्यादा मॉर्फोलॉजी होती है, काफी सारे हैबिटेट्स के अंदर ये रहते हैं एंड ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हम लोगों के बीच में ही रहने वाले, हमारी ही एयर के बीच में, हमारी ही वाटर के बीच में, हमारी ही सोइल पे, हमारे ही एनिमल्स पे. मेरा मतलब, अब ब्रेड है, ब्रेड तो मेरे ही घर में है ना, तो ये मेरा ही नेचर है, मेरा ही एनवायरनमेंट है, तो उसके अंदर क्या रहती है? उसके अंदर हम लोगों की फंगस जो है वो रहती है. तो कॉस्मोपॉलिटन हो गई, हम लोगों के साथ साथ में रह रही है. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. और कहां पर उगती है? अब अगर ब्रेड को तुम लोग फ्रिज में रख दो तो क्या उस पे फंगस लगती है? नहीं लगती. इसका मतलब ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ग्रो करती है. तो फंगस विल ग्रो इन द वार्म एंड द ह्यूमिड प्लेसेस. फंगस वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ग्रो करेगी. चलो बहुत अच्छी बात है. तो फंगस क्या होती है सबसे पहली बात? कम ऑन गाइज, हेटेरोट्रॉपिक. इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन आएगा, देख के हम लोग इजीली टिक कर लेंगे. नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया? इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है. मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर अपन देख लें या फिर हैबिटेट के बेसिस पर अपन देख लें, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इसके अंदर होती है. नेक्स्ट, अपने बीच में ही ये रहती है, कॉस्मोपॉलिटन होती है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस के अंदर ग्रो करती है. अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल क्या हो गया? जो ब्रेड हम खाते हैं सभी लोगों को पता है कि उसके ऊपर फंगस लगती है, ये याद करने की जरूरत है? नहीं. नेक्स्ट, रोटन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स वगैरह आपके खराब हो जाते हैं उनके ऊपर भी, ठीक है जी. कॉमन मशरूम्स आप लोगों की, वो क्या होती हैं? फंगस. टॉडस्टूल्स आपके क्या होते हैं? फंगस होते हैं. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो सबसे पहली बात, फंजाय क्या हो गए? हेटेरोट्रॉपिक, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, बाहर से देखने में भी, मॉर्फोलॉजी भी, और जहाँ पर वो रहते हैं हैबिटेट भी, कॉस्मोपॉलिटन होता है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ग्रो करती है. तो कहाँ कहाँ पर हो गई? मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर, ऑरेंज रॉट्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गए, टॉडस्टूल्स, मशरूम्स अपने पास यहाँ पर हो गए, यहाँ तक याद. उसके बाद मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स देखे जाते हैं. वो किसकी वजह से देखे जाते हैं? पैरासिटिक फंगस की वजह से देखे जाते हैं. मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स, ईस्ट जो होता है हम लोगों का, आगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 12th वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए ईस्ट की जरूरत अपने पास यहां पर होती है. तो यूनिसेल्यूलर फंजाय होती है. ईस्ट को हर जगह पर पढ़ोगे, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, ओके. वीट का रस्ट करने वाली पक्सिनिया, वीट को ज्यादा हमने पका दिया तो रस्ट लग गया उनके ऊपर. वीट को ज्यादा पका दिया, पक्सिनिया ज्यादा पका दिया. एंटीबायोटिक्स जैसे कि क्या हो गया अपना? पेंसिलियम. तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल हो गए फंजाई के. चलो गाइस फटाफट से एक बार याद करते हैं इसको. फंगस क्या होती है? सबसे पहली बात, हेटेरोट्रॉपिक होती है. चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ग्रेट डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट के टर्म्स के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर देखी जाती है. कॉस्मोपॉलिटन हम लोगों के पास होती है एंड ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वार्म एंड ह्यूमिड
ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ग्रो करती है। फंजाई क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक, ग्रेट डाइवर्सिटी यहाँ पर होती है। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट के टर्म्स में ये कॉस्मोपॉलिटन होती है एंड ग्रो इन द वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करती है। ये पॉइंट्स हम सभी को याद है, एग्जाम्पल याद करने हैं, ब्रेड याद है, रॉटन फ्रूट्स ऑरेंजेस याद है, मशरूम्स याद है, टॉड स्टूल्स याद है, देन आपके पास ईस्ट यूनिसेलुलर होती है ब्रेड एंड बियर के लिए, ये भी याद है, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, ये भी आप सभी लोगों को याद है। चलो ठीक है जी, एंटीबायोटिक्स क्या हो गई? पेंसिलियम, और मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं पैरासिटिक फंगस, ये भी हमको याद हो गई। एक बार लास्ट बार सारी चीजों को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हो गया हम लोग के पास यहाँ पर, क्या क्या हो गया हम लोग के पास, मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, कॉमन मशरूम्स, टॉड स्टूल्स, वाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड लीव्स, ईस्ट यूनिसेलुलर, ब्रेड एंड बियर के लिए, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, एंड एंटीबायोटिक्स कौन सी हो गई, पेंसिलियम हम लोगों के पास हो गई। ये हमारा हो गए फंगस के एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। तो ईस्ट क्या होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं। इसके अलावा बाकी अगर आप लोग बात करोगे तो वो क्या होंगी फंगस, वहाँ पर फिलामेंट होंगी। अभी ये एक वर्ड की बात करना स्टार्ट करेगा, हाइफे, माइसीलियम की बात करना स्टार्ट करेगा। तो ईस्ट तो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। जनरली फंगस कैसी होती हैं? जनरली फंगस हम लोगों के पास फिलामेंटस होती हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनका नाम क्या होता है, हाइफे। मतलब एक तरीके से मान लो ना, हाइफन अपन लगाते हैं, मतलब जैसे कि मान लो कोई भी दो चीज़ों के बीच में हाइफन लगाते हैं, मान लो रक यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे रक इस सेंटेंस में पूरा आया नहीं, आगे शिता मुझे आगे लिखना है, राइट, तो अपन यहाँ पे हाइफन लगाते हैं, तो हाइफन से हाइफे, एक तरीके से वो थ्रेड जैसा ही तो स्ट्रक्चर है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। तो ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारी कैसी होती हैं हम लोगों के पास? फिलामेंटस अपने पास होती हैं, थ्रेड लाइक हाइफे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और काफ़ी सारे हाइफे का नेटवर्क मिलकर क्या बनाएगा? माइसीलियम। देखो मैंने क्या बोला, रक के अंदर डैश शिता आगे होगा, तो अपने पास क्या हो गया, ये तो हुआ हाइफे, और यहां पर हाइफे का नेटवर्क अपने पास होगा तो क्या बनाएगा, मेरा पूरा नाम बना देगा, रक्षिता बना देगा, माई को बना देगा, माइसीलियम अपने पास यहां पर हो गया, ठीक है जी, ओके। अब कुछ हाइफे कैसे होते हैं? कुछ हाइफे तो कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर अब कॉन्टिन्यूस है, काफी सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबका न्यूक्लियस मिला हुआ होगा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइट तो प्लाज्म अपने पास यहां पर आ जाएगा। इस तरीके के हाइफे को क्या बोला जाएगा? सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोला जाएगा? सिनोसिटिक हाइफे। बाकी जो दूसरे हाइफे अपने पास होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? सेप्टा होते हैं बीच में, या फिर क्रॉस वॉल्स हम लोग के पास वहां पर होती हैं, राइट। तो अपने पास क्या हो गया, सबसे पहली बात ईस्ट। ईस्ट कैसी होती है? यूनिसेलुलर। वैसे मैक्सिमम फंगस कैसी होगी? फिलामेंटस। तो ईस्ट अपने पास क्या हो गया? यूनिसेलुलर। अदरवाइज फंजाई कैसी होती हैं? फिलामेंटस अपने पास होती हैं, मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम क्या है, हाइफे, उनका नाम है हाइफे का नेटवर्क यहां पर किसकी फॉर्मेशन कर रहा होगा, माई की फॉर्मेशन, मेरी फॉर्मेशन, मतलब माइसीलियम की फॉर्मेशन वहां पर करेगा। तो ईस्ट क्या हो गई? यूनिसेलुलर। अदरवाइज एल्गी फिलामेंटस होती हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे की फॉर्मेशन करती हैं, और उनका नेटवर्क मिलकर माई की फॉर्मेशन, माइसीलियम की फॉर्मेशन करता है। चलो बहुत अच्छी बात है। हाइफे जो होते हैं अपने पास, वो दो टाइप के होते हैं। कैसे? एक तो जो कॉन्टिन्यूस होंगे, अगर कॉन्टिन्यूस अपने पास होंगे तो काफी सारे न्यूक्लियस वहां पर जुड़े हुए होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हम लोग को वहां पर मिलेगा। हां जी बिल्कुल, मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेगा। इस तरीके के हाइफे को क्या बोला जाता है? सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोला जाता है? सिनोसिटिक हाइफे। और जो दूसरे होते हैं, उनके अंदर सेप्टा होते हैं, या फिर क्रॉस वॉल्स हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो क्या हो गया? फिलामेंटस होंगे हाइफे, हाइफे का नेटवर्क माइसीलियम। हाइफे दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके के? कॉन्टिन्यूस,
कॉन्टिन्यूस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अपने पास यहाँ पर होगा सिनोसिटिक हाइफे, और दूसरे अपने पास क्या हो सकते हैं उनके अंदर सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल्स अपने पास प्रेजेंट हो सकती हैं, वो ये हो गए हम लोग के पास हाइफे, राइट? ओके जी, ग्रेट। अब क्या होगा, सेल वॉल। सेल वॉल आप सभी को पता है काइटिनस होती है, ऑलरेडी मैं फंजाई के बारे में बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी सेल वॉल काइटिनस एंड पॉलीसेकेराइड्स से, काफी सारे सेकेराइड्स से मिलकर बनी होती है। पॉलीसेकेराइड अपने पास यहाँ पर होती है, तो ये वाला पेज भी हम लोग का यहाँ पर डन होता है। ईस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर। बाकी फंजाई कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, जो कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे की फॉर्मेशन कर रही होती है। हाइफे मिलकर बनाएंगे माइसीलियम, हाइफे दो तरीके के। कॉन्टिन्यूस हम लोग के पास मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, सिनोसिटिक हाइफे, और दूसरों के बीच में क्या होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगी। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, काइटिनस और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। अब ऑलरेडी बता चुकी हूं, यहां पर इस पेज में हमने ऑलरेडी देख लिया था ये कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में क्या टाइप हो सकते हैं, या तो सेप्रोफाइट्स हो, डेड अपने पास ऑर्गेनिक मैटर को, डेड सबस्ट्रेट से डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपने पास उठा रही हूँ, या फिर अपने पास क्या हो, पैरासाइट दूसरे एनिमल्स के ऊपर चिपक कर बैठी हुई हूँ, या फिर सिम्बायटन्स, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो अपना निब्बा निब्बी का प्यार दोनों साथ रहेंगे, जहाँ जियोगे तो तुम्हारे साथ ही जिएंगे, तो सिम्बायंट्स साथ रहती हैं, लाइकेंस अपने पास हो गए, कुछ हायर प्लांट्स के साथ रहती हैं, माइकोराइजा हम लोगों के पास हो गया। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया यार, हम लोगों के पास यहाँ पर जितनी भी फंजाए हैं वो कैसी होती है, मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक होती हैं। हेटेरोट्रॉपिक अगर अपने पास यहाँ पर होंगी तो देखो मोस्टली कैसी होती हैं, हेटेरोट्रॉपिक, या तो सेप्रोफाइट्स यहाँ पर होंगी, सेप्रोफाइट्स का मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से, या फिर पैरासाइट्स अपने पास यहाँ पर होंगी, जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो हेटेरोट्रॉपिक के अंदर तो यही होता है ना, या तो सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स, और कुछ सिम्बायंट्स साथ साथ भी रहते, सबका साथ सबका विकास। दो एग्जाम्पल सबका, कुछ लोग यहाँ पे विकास नाम के बच्चे बैठे होंगे, दीदी सबका नहीं हूँ, मेरी वाली भी है। अच्छा यार, शर्माओ मत, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, सिम्बायंट्स। सिम्बायंट्स के अंदर लाइकेंस, लाइकेंस फंजाई एंड एल्गी, और माइकोराइजा क्या हो गया, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ेंगे तब माइकोराइजा के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लाइकेंस बचपन से पढ़ते आते हो, फंगस प्लस एल्गी मिलकर लाइकेंस की फॉर्मेशन करते हैं। चलो अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हर तरीके की रिप्रोडक्शन, पहले वेजिटेटिव, फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, तीनों के बारे में बात करेंगे। वेजिटेटिव कैसे होगी, जितने भी तरीके हों, फ्रैग होती है, फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, पढ़ते हो ना ये वेजिटेटिव के टाइप, तो तीनों के तीनों इंक्लूड कर दो, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, स्पोर्स की हेल्प से, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स हम लोग के पास हो गए। क्या क्या, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। अब देखो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो स्पोरेंजियम में रहते हैं, क्या इसके नाम से लग रहा है तुम लोगों को कि स्पोरेंजियम में रहते हैं, तो ये अपने पास सेक्सुअल, सेक्सुअली तो इंक्लूडेड है नहीं, मतलब एसेक्सुअल के अंदर आएंगे। जूस्पोर्स जंगलों में घूमने वाले, जंगलों में घूमने वाले जंगली जूस्पोर्स, याद करने का तरीका बता रही हूँ बस, ये भी अपने पास नहीं होंगे। और एक कोनिडिया, कोनिडिया, इसको कोनिडिया, इसको सेक्सुअल गैम, सेक्सुअल उनके अंदर कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर्स में को कोनी दिया, तो अपने पास क्या हो गए, तीन चीजें। एसेक्सुअल स्पोर्स तीन तरीके के अपने पास यहां पर होते हैं, एक तो कोनिडिया, कोनी दिया, दूसरा स्पोरेंजियम में रहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, और तीसरा जू में रहते हैं जूस्पोर्स। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पास, उसके अंदर भी तीन गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। देखो अब फंजाई के टाइप पढ़ोगे, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ठीक है, तो ये दोनों तो वहाँ से आ गए, तो एस्कोस्पोर्स भी सेक्सुअल होंगे, बेसिडियोस्पोर्स भी सेक्सुअल होंगे। एक ऊस्पोर्स, ऊगोनियम पढ़ा है क्या, ऊगोनियम, ओगोनियम इसी का पार्ट होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का ही, सेक्सुअल, सेक्सुअली ही इन्वॉल्व होती हैं ये सब चीज़ें, तो ओस्पोर्स अपने क्या हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हो गए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो किस में बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज में, हमेशा ही फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, ये एक
ये दूसरा गैमिट, एक गैमिट दूसरा गैमिट, चाहे ये मोटाइल हो चाहे ये नॉन मोटाइल हो, सबसे पहले आकर क्या करेंगे, ऐसे मिलेंगे, इनका प्लाज्मा मिलेगा पहले, तो ये इससे जुड़ेगा, तो दोनों का प्लाज्मा मिल गया, प्लाज्मोगैमी। उसके बाद अंदर जो न्यूक्लियस हैं दोनों के, वो अपने पास यहाँ पर जुड़ेंगे, कैरियोगैमी। एंड फाइनली क्या कर जाएंगे, मियोसिस यहाँ पर हो जाएगी, जायगोट के अंदर अपने हैप्लॉयड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो, तो अपन ने सबसे पहले बात कर ली कि इसका टाइप क्या क्या होता है, सेप्रोफाइट्स यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक होती है अपनी फंगस, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, चलो बहुत अच्छी बात है, सिम्बाइंट्स की फॉर्म में भी रहते हैं, लाइकेंस हो गया, माइकोराइजा हो गया, लाइकेंस के अंदर फंजाई एंड एल्गी, माइकोराइजा के अंदर फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वेजिटेटिव कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग। एसेक्सुअल अपने पास कैसे होगा, कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर्स, इन तरीकों से होगा। एंड सेक्सुअली अपने पास कैसे होगा, ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ये तीन तरीके अपने पास हो गए। और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ये याद करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहां पर बता दिया है। चलो ठीक है जी, अब क्या होगा, फंगस जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, तो जो मैं हाइफे हाइफे कह रही थी, हाइफे ही तो है ना अपनी फंगस का क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो हाइफे हम लोगों के पास थे वो क्या होंगे, दो हैप्लॉयड हाइफे पास पास आएंगे, पास पास आने के बाद उनके बीच में तकरार होगा, प्यार हुआ, तकरार हुआ, ठीक है। फिर भी कहने से क्यों डरता है दिल, अगर प्यार हुआ, तकरार हुआ, इन्होंने कह दिया तो लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, 2N बन गया। लेकिन प्यार हुआ, इकरार हुआ, कहने से डरता है दिल, किस किस के अंदर डरता है दिल, ए के अंदर एंड बी के अंदर, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, वहाँ पर एन प्लस एन स्टेज ही रह जाती है, डिप्लॉयड स्टेज नहीं बनती, पहले एन प्लस एन, प्यार हुआ, तकरार हुआ, लेकिन दोनों का दिल कहने से डर रहा है, तो अपने पास यहाँ पर कैसी स्टेज बनेगी, एन प्लस एन स्टेज अपने पास बनेगी, दो कैरियन यहाँ पर हैं, दो न्यूक्लियस अपने पास यहाँ पर हम लोग को नजर आ रहे हैं, डायकैरियोफेज, डायकैरियन की फॉर्मेशन हो गई। फिर क्या होगा, कुछ देर बाद आपस में दोनों क्या कर जाएंगे, फाइनली फ्यूज कर जाएंगे, और ये भी क्या बन जाएंगे, 2N बन जाएंगे। फिर इनके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, और स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, हैप्लॉयड स्पोर्स की फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पर हो जाएगी। तो अपन ने यहीं पे यही बोला था ना कि फाइनली अपने पास यहाँ पर क्या हुआ था, फाइनली मियोसिस इन द जायगॉट, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फिर अंदर का न्यूक्लियस मिलेगा कैरियोगैमी, ये अपने पास यहाँ पर दो आए, दो आते ही तो सबसे पहले आपस में ये ऐसे मिलेंगे, तो अपने पास प्लाज्मोगैमी होगी, न्यूक्लियस तो अभी भी इसी तरीके से पड़े रहेंगे, तो प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस मिलेंगे तो कैरियोगैमी, एंड फाइनली क्या होगा, इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन, हैप्लॉयड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब जो सेक्सुअल साइकिल हम लोग के पास हो गया, उसके अंदर मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के गैमेट्स इंक्लूडेड होते हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा दूसरा, न्यूक्लियाई का फ्यूजन, कैरियोगैमी, एंड फाइनली हम लोग के पास वहां पर क्या हो जाएगा, मियोसिस अपने पास वहां पर हो जाएगा, हैप्लॉयड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलो ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, दो हैप्लॉयड हाइफे पास आते हैं, यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों के पास, 2N बन गया। चलो ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्यार हुआ, तकरार हुआ, कहने से फिर क्यों डरता है दिल, तो N प्लस N स्टेज बनेगी, डायकैरियोटिक स्टेज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, A एंड B के अंदर अपने पास यहाँ पर होती है। फाइनली फिर क्या होगा, ये भी वापस क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2N फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्रूटिंग बॉडीज फाइनली उनके अंदर रिडक्शन होगी, और रिडक्शन से हैप्लॉयड स्पोर्स की फॉर्मेशन वो कर देंगे। चलो ठीक है,
अब क्या करना है, अब अपन चार क्लासिफिकेशन करेंगे फंजाई की, किस किस चीज के ऊपर बेस्ड होकर, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मैंने क्या बोला था, हाइफे, हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, तो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, स्पोर की फॉर्मेशन, वहां पर बार बार स्पोर की बात कर रही हूँ, बार बार फ्रूटिंग बॉडीज की बात कर रही हूँ, तो इन्हीं के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दी गई। कौन कौन से तीन चीजें जिनके बारे में मेनली अपन ने अभी डिस्कस किया था, स्पोर, अलग अलग स्पोर डिस्कस कर रहे थे ना अपने पास, यहाँ पर सेक्सुअली अलग स्पोर्स अपने पास थे, अपने पास एसेक्सुअली अलग स्पोर्स थे, अलग अलग स्पोर्स की डिस्कशन करी थी अभी अपन ने, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज की डिस्कशन करी थी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम दिखता कैसा है उनके बेसिस पर चार क्लासिफिकेशन की गई, कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, PABD, बीच में क्या रखना है, ए बी, इधर पी इधर डी, पी 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 पी, ये पी पी कर रहे हैं ए बी को, हमें डी के पास पहुंचना है, बीच में सी नहीं रहा तो पी पी कर रहे हैं, तो पी ए बी डी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले अपन देखते हैं फाइकोमाइसिटीज, ये कहाँ पर मिलेंगी, एक्वाटिक हैबिटेट्स में, सबको पता है फंगस, मॉइस्ट जगहों पर, डैम्प प्लेसेस पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की फॉर्म में मिलती हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस अपने पास यहाँ पे हमें क्लियर है क्योंकि फंगस वहीं पर मिलती हैं, तो फाइकोमाइसिटीज कहाँ पर हो गई, एक्वाटिक हैबिटेट्स में मिलती हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस के अंदर, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की फॉर्म में, तो अपने पास यहां पर क्या हो गया, एसेप्टेट माइसीलियम होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एक बात बताओ, अपने पास जो हाइफे थे, हाइफे दो तरीके के थे, कौन कौन से दो तरीके के हाइफे अपने पास यहां पर थे, एक जिसके सेप्टा प्रेजेंट है और दूसरे सिनोसिटिक, अगर कोई सिनोसिटिक है तो सीधी सी बात है उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, तो सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स से एंड एप्लेनोस्पोर्स से, जो कि कैसे स्पोर्स हम लोग के पास होते हैं, अंदर होते हैं, एंडोजीनसली अपने पास प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है जाइगोस्पोर्स, जाइगो, जाइगोट बनना, जाइगोट कैसे बनता है, दो गैमेट्स के फॉर्मेशन से, वो दोनों गैमेट्स सेम भी हो सकते हैं, आइसोगैमस, सेम सेम होंगे तो आइसोगैमस, अलग होंगे तो एन आइसोगैमस या फिर ओ गैमस हम लोग के पास यहां पर हो गया। एग्जांपल क्या होंगे, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, चलो अब याद करते हैं इसको। तो अपने पास फाइकोमाइसिटीज के बारे में मैं यहां पर बात कर रही हूं। सबसे पहली बात, फाइकोमाइसिटीज आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पर, एक्वाटिक हैबिटेट्स पे, डिकेइंग वुड और ऑब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में, मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर आपको मिलेगा, एक्वाटिक प्लेसेस के ऊपर आपको मिलेगा, किसकी फॉर्म में मिलेगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में, ये दोनों चीज़ें आप लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है। माइसीलियम सब लास्ट में कंपेयर कर लेंगे किसका माइसीलियम कैसा है, सबसे पहले का माइसीलियम कैसा है, सबसे पहले का माइसीलियम है सीनो, चारों जब हो जाएंगे ना तो चारों जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद देख लेंगे किसका कौन कौन सा था। तो इसका माइसीलियम कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है, यहां पर सेप्टेट लिख दिया गया है, एसेप्टेट अपने पास यहां पर आएगा, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस से होगी, जू स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स, जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। तो सबसे पहली बात, पानी के अंदर मिलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की फॉर्म में, एक्वाटिक हैबिट डिकेइंग वुड ऑब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में, माइसीलियम अपने पास कैसा होगा, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जू स्पोर्स या फिर एप्लेनोस्पोर्स, कम ऑन गाइस, और कैसे होते हैं वो, अंदर होते हैं, एंडोजीनसली, इनको भी लास्ट में कंपेयर करेंगे, लास्ट में कंपेयर करके सारी चीजें याद हो जाएंगी। जाइगोस्पोर, जाइगोट की फॉर्मेशन करवानी है, सिमिलर भी हो सकते हैं आइसोगैमस और डिससिमिलर भी हो सकते हैं एन आइसोगैमस या फिर ओ गैमस। इसके अंदर क्या हो गया, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज को मार,
मार, ये बहुत खतरनाक हमारे लिए है, इनको मार। एम से म्यूकर, ए से एल्ब्यूगो, आर से राइजोपस, मार इनको मार। एम ए आर, फटाफट से इनको क्या कर, इनको मार। माई म्यूकर एल्ब्यूगो राइजोपस, म्यूकर एल्ब्यूगो राइजोपस, दिस वॉज ऑल अबाउट फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास होता है एस्कोमाइसिटीज। एस्को बोल रहा है, एस्को से ही एक वर्ड मुझे डराइव हो रहा है, एस्कस, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर सैक मिलेगा, कोई ऐसा डब्बा सा, मतलब कुछ ना कुछ सैक मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सैक फंजाए बोला जाता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, ईस्ट, सैक्रोमाइसीज, जो अपने पास क्या थे, यूनिसेलुलर थे, इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था, या फिर मल्टी सेलुलर, पेंसिलियम, एंटीबायोटिक्स बनाने के टाइम पर अपने पास, तो मल्टी सेलुलर, पेंसिलियम या फिर यूनिसेलुलर, ईस्ट अपने पास हो गए। चलो ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज मिलते कहाँ पर हैं, ये थोड़े से पैरासिटिक होते हैं और गंदी जगहों पर, गंदी जगहों पर मतलब जैसे अपना क्या हो गया, काओ डंग, कॉप्रोफिलस, ये होते हैं अपने डीकम्पोजर्स हो गए, सैप्रोफिटिक हो गए। ये कहाँ थे फाइकोमाइसिटीज, मेनली ब्लू है पानी पानी, पानी पानी के अंदर, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो ना, फाइकोमाइसिटीज, PW, फिजिक्स वाला सर है ना, फिजिक्स वाला, तो P से फाइकोमाइसिटीज, W से वाटर, तो फिजिक्स वाला सर के नाम से याद हो गया तुम लोगों को, राइट, तो फाइकोमाइसिटीज एंड वाटर, वाटर में मिलेगा। एस्कोमाइसिटीज, एस्कस, एस्कस सैक फंजाए, गंदी जगहों पर अपने पास, सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस, डंग वाली जगहों पर अपने पास मिलेगा। अब देखो माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। पिछले वाले का कैसा था, सीनोसाइटिक था, सीनोसाइटिक होने की वजह से कैसा था, एसेप्टेट था। यहाँ पर माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, मतलब सीनोसिटिक, सीनोसाइटिक नहीं है, सेप्टेट हम लोग के पास यहां पर है। एसेक्स, अब सारे स्पोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स वहां पर कौन-कौन से हम लोग के पास थे, एप्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स हमारे पास थे। यहां पर कौन-कौन से हैं, कोनिडिया, और जो कि कैसे मिलेंगे, सबसे पहले ये एंडो, एंडो के बाद नेक्स्ट, अब यहां की शर्म चली गई है हम लोगों की, अंदर ये तो अंदर छुपे हुए थे, शर्म थी थोड़ी सी, अंदर छुपे हुए थे, अब शर्म खत्म हो गई है, अब कैसे आ जाएंगे, अब एग्जो अपने पास यहां पर आ जाएंगे, एग्जोजीनसली अपने पास होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये क्या बोला जाता है, इनको सैक फंजाए बोला जाता है, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाए बोला जाता है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम, और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो गया, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अपने पास सैक्रोमाइसिस, ईस्ट अपने पास यहां पर हो गया। कहां पर मिलती हैं, एस्कस, एस्कस गंदा गंदा, सैप्रोफिटिक, डीकंपोजर्स, पैरासिटिक, ग्रोइंग ऑन डंग, कॉप्रोफिलस अपने पास हो गया। ब्रांच्ड, ये माइसीलियम इसका कैसे मिलेगा, पिछले का कैसा नहीं था, ब्रांच्ड नहीं था, तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे, कौन होते हैं, कोनिडिया, कोनिडियोफोर्स के ऊपर मिलेंगे, जो कि माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। ये भी कैसे हैं हम लोग के पास, एग्जोजीनसली, पिछली बार शर्म थी, एंड एग्जोजीनसली अपने पास यहां पर थे, इनको मैं याद करवाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज हैं, तो एस्कोस्पोर्स अपने पास होंगे, जो कि कैसे होते हैं, एंडोजीनसली अपने पास, एस्कोकार्प्स के अंदर यहां पर मिलते हैं। तो देखो एक पेज अपन यहां पर बना लेते हैं, ठीक है, एक पेज अपन यहां पर बनाएंगे, और पेज के अंदर क्या लिखेंगे, सारी की सारी को एक साथ क्लासिफाई करके लिखेंगे। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, देखो वन बाय वन करके यहां पर लिखती हूँ, फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आएगा एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा हम लोग के पास आएगा बेसिडियोमाइसिटीज। इनका माइसीलियम आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद क्या याद रखना है, एसेक्सुअल स्पोर्स आप लोग को याद रखने हैं, एंड सेक्सुअल स्पोर्स आप लोग को याद रखने हैं। इसका माइसीलियम कैसा था, कम ऑन गाइस, मेरे साथ सभी लोग रिपीट करेंगे, इसका माइसीलियम था सीनोसिटिक, इसका माइसीलियम अपने पास कैसा था हम लोग के पास, इसका माइसीलियम सीनोसिटिक, अपना ये क्या हो गए, फाइकोमाइसिटीज, ये एस्कोमाइसिटीज, ये बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसका सीनोसिटिक, इसका कैसा था अपने पास, सेप्टेट था। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से थे, जू स्पोर्स हमारे पास थे, और दूसरे क्या थे, एप्लेनोस्पोर्स यहां पर
पेपर थे जो कि कैसे मिलते थे, एंडोजीनसली मिलते थे। और अपने पास सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर कौन थे, जाइगो स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स अपने पास यहाँ पर थे। चलो ठीक है जी, तो इसके अंदर जाइगो स्पोर्स जो हो गए वो सेक्सुअल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या हो गया, सेप्टा यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर जू स्पोर्स ना होकर कौन से स्पोर्स हम लोग के पास प्रेजेंट है, हम लोग के पास यहाँ पर कोनीडिया, कोनीडिया यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ शर्म जो है वो खत्म हो चुकी है, एक्सोजीनसली यहाँ पर प्रेजेंट है। अब नाम क्या है, एस्कोमाइसिटीज। तो स्पोर्स कैसे होंगे, एस्को स्पोर्स, जो कि अपने पास कैसे मिलेंगे हम लोगों को, एंडोजीनसली। तो सबसे पहले क्या था, देखो सबसे पहले ये एंडोजीनस हुआ था, इसके बारे में कोई बात की ही नहीं थी। अब नेक्स्ट वाले केस में ये तो एक्सो हो चुका है और ये अपने पास कैसा हो गया है, अब एंडो हम लोग के पास हो गया है। अब एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पहले मैं एग्जांपल बाद में बात करूंगी, पहले माइसीलियम वगैरह देख लेते हैं। माइसीलियम तो वही ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग का यहां पर क्या हो चुका है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सबसे पहला सिर्फ सिनोसिटिक था, उसके बाद सब गए क्या है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल के बारे में अपन यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर मिलते ही नहीं हैं। एक को आपने एंडोजीनस किया, दूसरे को आपने बाहर भी निकाल दिया, अब और कहाँ निकालोगे, और निकालोगे ही नहीं, तो और प्रेजेंट होते ही नहीं। बेसिडियोमाइसिटीज अपने पास है, तो बेसिडियोमाइसिटीज प्रेजेंट होने की वजह से बेसिडियो स्पोर्स आपको मिलेंगे बेसिडियम में, बेसिडियो कार्प्स में। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, बेसिडियो स्पोर्स अपने पास हो गए। ये एंडोजीनस था, तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट अपने पास एक्सोजीनस होगा। ये हो गई आपकी टेबल और ये हो गया आप लोग को याद, कंपैरिजन कर लो मस्त तरीके से। सबसे पहले माइसीलियम याद करना है, तो पहला सिनोसिटिक, बाकी सारे सेप्टेट अपने पास होंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करनी है, तो पहला एंडोजीनस, अगला एक्सोजीनस, उससे अगले में प्रेजेंट होगा ही नहीं। अगर सेक्सुअल की बात करनी है, तो पहला जाइगोस्पोर्स, उसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है। जब इसको ये अंदर रह रहा है, तो अगर इसको भी अंदर बोल देंगे हम लोग तो भीड़ भड़ाका हो जाएगा ना, तो इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कहते ही नहीं। तो ये अंदर इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। एस्कोमाइसिटीज कैसा हो गया, एंडोजीनस हो गया, और एस्कोमाइसिटीज से नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज, और वो अपने पास ये एंडो था, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा, एक्सोजीनस आपके पास यहां पर होगा। तो मैंने आपको तीनों के माइसीलियम याद करवा दिए, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में याद करवा दिया। तो एक बार एस्कोमाइसिटीज से आप लोग का दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। एस्कोमाइसिटीज मतलब एस्कस, सैक लाइक अपने पास होगा, मोस्टली कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। माइसीलियम सबको याद है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ए सेक्सुअल स्पोर्स कोनीडिया, एक्सोजीनस आपके पास होंगे जो कि बड़े होकर माइसीलियम की फॉर्मेशन करेंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आपके पास कैसे हैं, अंदर अभी हैं, एंडोजीनसली। एस्को कार्प्स अपने पास यहां पर, एस्को स्पोर्स अपने पास यहां पर हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है। इनके कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। एग्जांपल्स अपने पास क्या हो गए, पेनिसिलियम एंड ईस्ट तो हमने देख लिया था। पेनिसिलियम अपने पास कैसा था, पेनिसिलियम था मल्टीसेलुलर, ईस्ट कैसा था, यूनिसेलुलर। बची हुई तीन चीजें अपने पास बची, और वो क्या बची, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एंड फाइनली मॉरल्स एंड ट्रफल्स, कुछ अपने पास बचे हुए हैं, तो इनको खा सकते हैं। डेलिकेसीज इनको कंसिडर किया जाता है, डेलिकेट बच्चा, बिल्कुल शरीफ सा डेलिकेट बच्चा, मॉरल वैल्यूज उसके अंदर बची हुई है, उस वाले मॉरल जो अपना होता है ना, उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो उसको। तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स, पेनिसिलियम ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो एसी नहीं चलाना, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, क्योंकि जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क अभी बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। तो एसी ना चलाना, एसी मत चलाना।
एसी नहीं चलाना, ये ज़्यादा मॉरल वैल्यू दिखा रहा है। कुछ लोग ज़्यादा माच के दिखाते ना, ओ या नमस्ते अंकल, ठीक है, तो वो ज़्यादा मॉरल वैल्यू दिखा रहा है, तो एसी नहीं चलाना। तो अपने पास क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, पेंसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। पेंसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। एसी अभी नहीं चलाना, ज़्यादा मॉरल्स दिखा रहा है, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, पेंसिलियम एंड ईस्ट अपने पास यहाँ पर हो गया। ये हम लोगों का था एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज। अब तुमने पानी में उगा लिया, तुम लोगों ने गंदी जगहों पर उगा लिया, तो देखो अगर तुम कहीं पर भी घूमने गए हो तो पानी पे उगा दिया, वहां पे जितनी भी गंदी जगहें थी गंदी जगहों पर। अब जो पेड़ पौधे होंगे उसके ऊपर भी कोई ना कोई फंगस उगा दो, तो वो कहां पर, सोयल के अंदर, सोयल लॉग्स अपने पास, प्री लॉग्स अपने पास हो गए, स्टेम्स अपने पास हो गए, वहां पर क्या मिलेंगी, बेसिडियोमाइसिटीज। अपना माइसीलियम ऑलरेडी याद करवा चुकी हूँ, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट अपने पास होगा, कोई एसेक्सुअल स्पोर्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंट्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एबसेंट अपने पास होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते लेकिन बेसिडियम बनेगा, बेसिडियम बेसिडियोकार्प्स में बनेगा। और याद है एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में डायकैरियन स्टेज होती है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, कहने से फिर क्यों डरता है दिल, तो कैरियोगैमी होगा फाइनली, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी होते ही क्या बन जाएगा, प्लाज्मा अपना जुड़ा, प्लाज्मा जुड़ते ही अपने पास यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो नहीं जुड़ पाया, तो डायकैरियन स्टेज हो गई, डायकैरियन स्टेज अपने पास परसिस्ट करेगी, रुकेगी थोड़ी देर तक, बेसिडियम अपने पास होगा, फिर फाइनली क्या होगा, फिर फाइनली कैरियोगैमी होगा और चार बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और वो बेसिडियोस्पोर्स कैसे थे, याद है एग्जोजीनस आपके पास थे। तो बेसिडियोमाइसिटीज आपको कहां पर मिलेंगे, सोयल लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स में आपको मिलेंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, बेसिडियम प्रेजेंट होगा अपने पास वहां पर, बेसिडियोकार्प्स अपने पास होंगे और एग्जोजिनसली चार बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन भी होगी। इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल अपनी मशरूम, अपनी ब्रैकेट फंजाई, अपनी पफ बॉल्स, पैरासाइट, पैरासाइट कौन कौन, रस्ट एंड स्मट। देन अपने पास क्या हो गया, देन हम लोग के पास पाव, अपना PAU, पाव, हम लोग को पाव खाना है, जो तुम लोग पाव खाते हो ना वो वाला पाव, तो पक्सीनिया, स्टेलिगो, अगैरिकस हम लोग के पास हो गया, अगैरिकस तो मशरूम ही होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो, क्या हो गया, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, रस्ट एंड स्मट, रस्ट एंड स्मट्स। तुम लोग ऐसे मान के चलो अपनी जो ट्री है, ट्री के ऊपर ऐसे चिपट जाते हैं तो उस पे रस्ट लगा रहे हैं, जंग लगा रहे हैं उस ट्री के ऊपर, तो रस्ट एंड स्मट्स अपने पास हो गया। इसको देखो पफी पफी बना रहे हैं, पफ बॉल्स अपने पास हो गई, और दिख रहा है तुम लोग को ऐसे मैं ब्रैकेट की फॉर्मेशन कर रही हूँ, ब्रैकेट फंजाई अपने पास हो गया। तीन चीजें याद, सबसे पहले ट्री सोच लिया करो, तभी के तभी ट्री सोचते ही आपको क्या क्या याद आएगा यहाँ पर, पैरासाइट्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई एंड लास्ट अपने पास क्या बचा, पाओ, दैट इज पक्सीनिया, अगैरिकस, उस्टेलिगो, पक्सीनिया, अगैरिकस एंड उस्टेलिगो हम लोगों के पास हो गया। फाइनली आपके पास आता है ड्यूटरोमाइसीट्स। ड्यूटरोमाइसीट्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन अभी तक नहीं की जाती है, इसके सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के बारे में हम लोग को पता है, इसके सेक्सुअल फेज के बारे में हम लोगों को नहीं पता है। तो फाइनली उसके अंदर एक और चीज़ अपन यहाँ पर इंक्लूड करते हैं एंड दैट इज़ द फोर्थ वन, वो क्या है अपने पास, ड्यूटरोमाइसिटीज। ड्यूटरोमाइसिटीज में भी ये तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ, सबसे पहला सिर्फ सीनोसिटिक है, बाकी सारे सेप्टेट, तो माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होंगे अपने पास, एसेक्सुअल स्पोर्स भी अपने पास कोनिडिया में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और सेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते
ही नहीं है। तो ये हो गई हम लोगों की ड्यूटेरोमाइसिटीज यहाँ पर। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर क्या क्या हो गया, इम्परफेक्ट, परफेक्ट ये नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के बारे में पता है, दूसरा सेक्सुअल फेजेस के बारे में अपने को नहीं पता है। एसेक्सुअल कैसा होगा, कोनिडिया से माइसीलियम याद करवा दिया, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, और ये भी कहाँ पर मिलते हैं, देखो उन जिनमें कोनिडिया था, किन में कोनिडिया था, एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया था, वो भी कहाँ पर रहते थे, गंदगी में रहते थे, ये भी कहाँ पर रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। तो कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी इस डायग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। क्या क्या हो गया तुम लोगों के पास यहाँ पर, सबसे पहली बात फाइकोमाइसिटीज कहाँ पर रह रहे थे, पानी के अंदर, ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर रह रहे थे। उसके बाद ये गंदी जगहों पर डीकम्पोजर्स की फॉर्म में सेप्रोफिटिक प्रेजेंट थे। बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ पर आए, थोड़े से पेड़ के ऊपर। और ड्यूटेरोमाइसिटीज कहाँ पर आए हम लोगों के पास, ड्यूटेरोमाइसिटीज वापस से अपने पास यहाँ पर कैसे हो गए, ये भी डीकम्पोजर्स सेप्रोफिटिक। ये वाला पेज जितने अच्छे तरीके से, मैं भी इनफैक्ट इसको ना फोटो खींच लेती हूँ और मैं इनको तुम्हारे नोट्स के अंदर इंक्लूड करवा दूँगी, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डब्बा है, इस डब्बे को मैं नोट्स में भी इंक्लूड करवा दूँगी, लेकिन ये डब्बा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हैबिटाट का कंपेरिजन भी हो रहा है, यहाँ माइसीलियम का कंपेरिजन भी हो रहा है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली हर चीज़ का कंपैरिजन आपके पास यहाँ पर हो गया। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर क्या हुआ, ड्यूटेरोमाइसिटीज आपने पूरा यहाँ पर याद कर लिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, दिस वॉज ऑल अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बेसिकली तीन चीज़ें मुझे यहाँ पर पढ़नी थी, किंगडम मोनेरा, किंगडम अपने पास प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाय, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना था। बाकी जो किंगडम प्लांटी है वो सबको पता है कि क्लोरोफिल होता है, सेल्यूलोजिक वॉल होती है, यूकैरियोट होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ने वाली हूँ। खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं, इसीलिए अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, पार्शली हेटेरोट्रॉपिक, मतलब इंसेक्टिवर्स, जो इंसेक्ट खाएंगे, बचपन में पढ़ते थे ना वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉर्ट, आप लोग पढ़ते थे इंसेक्टिवरस, अमरबेल आपके घर में होगी, सभी लोगों के घर में, कस्केटा आप लोग के घर में होगी, पैरासिटिक हम लोग के पास वहाँ पर होती है। तो प्लांटी वैसे तो क्या होती है, सेलुलोजिक होती है हम लोगों के पास, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बट कुछ पार्शली हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवरस अपने पास हो गए, ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, और कस्केटा अपने पास वहां पर क्या हो गया, पैरासिटिक। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे एनिमिलिया, जो कि यूकैरियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक, काफी मल्टी सेलुलर होता है, कोई सेल वॉल नहीं होती, खाने के लिए किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है। मैं क्या हूं, मैं एनिमल हूं, मेरे अंदर फैट की फॉर्म में, देखो अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो देखो हल्की सी मैं मोटी यहाँ पर हो गई हूँ, तो फैट की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो गया, फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया है, रिजर्व फूड मटेरियल अपने पास यहाँ पर हो गया है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और मैं खाना खाती हूँ तो ऐसे खाती हूँ ना, इंजेशन, ऐसे तो नहीं करती ना, ऐसे मतलब चाट रही हूँ या फिर डीकम्पोज कर रही हूँ, होलो जोई की तो है, होलो होल है, देखो होल, होल में क्या करूँगी, होल में खाना डालूंगी, इंजेशन करूँगी तो होलो जो एक अपने पास हो गया। तो एनिमल किंगडम के बारे में तो यार सबको पता है, ग्लाइकोजन, फैट एंड होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे ही। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास एंड दीज आर द वायरसेज, वायराइड्स एंड अपने पास क्या हो गए, लाइकेंस। तो जो अपने विटेकर भाई साहब ने हम लोग को क्लासिफिकेशन दी उसके अंदर उन्होंने वायरसेज, वायराइड्स एंड प्रायंस वगैरह इनको इंक्लूड, लाइकेंस, प्रायंस, वायराइड्स, वायरसेस, इनको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर हम इनके बारे में सेपरेटली डिस्कस करते हैं। जो अपन को कॉमन फ्लू होता है वो किसकी वजह से होता है, वायरसेस की वजह से अपने पास यहाँ पर होता है। क्या वायरसेस ट्रूली लिविंग होते हैं, नहीं, ये ट्रूली लिविंग अपने पास नहीं होते हैं,
अगर यहाँ पर अगर मेरा जो इनर्ट आउटसाइड है मेरे लिविंग सेल के अंदर से बाहर जब ये प्रेजेंट है, तो अभी जो मान लो यहाँ पर घूम रहे हैं तो मस्त इनर्ट घूम रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। लेकिन जैसे ही मेरे सेल के अंदर भाई लोग एंट्री मारेंगे, मेरी मशीनरी ले लेंगे, खुद रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे और होस्ट को मार देंगे, होस्ट मर जाएगा। तो वायरसेस अपने पास कैसे हो गए? विटेकर ने उनको क्लासिफिक क्लासिफिकेशन में नहीं डाला। कॉमन फ्लू अपना इसका एग्जाम्पल है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल के अंदर डालोगे तो अपने पास बल्ले बल्ले वहां रेप्लिकेशन करेंगे, वहां मशीनरी को उठा देंगे। अगर उससे बाहर रखोगे इनर्ट रहेंगे वहां पर उससे बाहर। तो वायरसेस अपने पास यहां पर होते हैं, ये वायरसेस के अंदर आरएनए हो गया, ये उसका जो अपने पास उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है कैप्सिड अपने पास हो गया, ये इसका हेड, फिर इसका ये क्या है, ये क्या है इसका हेड, हेड के बाद ये क्या हो गया इसका कॉलर, देखो मेरा कॉलर, उसके बाद क्या है, ये क्या है, ये मेरी शीथ, और फाइनली मेरे पैर, पैर क्या है, टेल फाइबर्स। हेड, कॉलर, शीथ और ये क्या हो गए लास्ट में, ये क्या हो गए लास्ट में, टेल फाइबर्स। हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर्स हो गया याद। तो यही अपने वायरसेस के अंदर भी होता है, वायरसेस कोई अलग थोड़ी ना होते हैं बेचारे। तो इसीलिए अपने पास यहाँ पर कुछ डिस्कवरी, तीन साइंटिस्ट के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। किन किन के बारे में? इवानोवस्की, इवानोवस्की, इसके ना बस की तो किसके बस की, इवानोवस्की। अगर वायरस के बारे में डिस्कवर करना किसकी, किसी के बस में नहीं था, किसी के बस में नहीं था, किसके बस में था, बस इवानोवस्की, इवानो के बस की, सिर्फ वायरस को डिस्कवर करना इवानो की बस की था। तो इन्होंने मोज़ेक डिजीज ऑफ टबैको के अंदर रिकॉग्नाइज किया, वायरस नाम यहाँ पर दिया और उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में भी से भी पास कर जाता है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। अभी तक तो मोनरा के अंदर सबसे छोटा अपन कहते आ रहे थे, इसका मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो अपने पास इवानोवस्की, अपना जो वायरस था उसको डिस्कवर करना किसी के वस की नहीं था, किसके बस, इवानोवस्की, सिर्फ इवानोवस्की को के वस में था। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज के अंदर अपने पास यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद बीजिंग घूमने अपने पास गए, अपने ये बीजरनिक, बीजिंग का मतलब चाइना, चाइना जाएंगे तो वहां पर बाकी सब क्या है, इन्फेक्टेड है कोरोना से, तो ये खुद भी क्या होकर आ जाएंगे, खुद भी इन्फेक्ट होकर आ जाएंगे। इसका मतलब जब टोबैको का इन्फेक्टेड अपन ने एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड टोबैको को, तो वो हेल्दी को भी इन्फेक्ट कर रहा था। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, कॉन्टेजियम मतलब कॉन्टैक्ट में आओगे अगर इन्फेक्शस फ्लूइड के, तो खुद भी चकनाचूर हो जाओगे। तो बीजिंग जब हम घूमने गए, बीजरनिक अपने पास यहाँ पर हो गया, बीजिंग घूमने गए तो हम लोगों को पता चला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, किसी के ना वस की, किसके वस की, इवानोवस की। बीजिंग घूमने गए, चाइना घूमने गए तो यहाँ पर क्या डिस्कवर, यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, फ्लूइडियम। एंड लास्ट क्या बच गया, स्टेनली, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे नहीं है यार, तो क्रिस्टल की फॉर्म में रखो, क्रिस्टल थोड़ी ना दाग दे के जाएगा, लिक्विड फॉर्म की चीज़ें दाग दे के जाती हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में रखो, स्टेन ले, स्टेन ले, स्टेन नहीं लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल, क्रिस्टलाइज्ड किए जा सकते हैं, वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, प्रोटीन के क्रिस्टल्स अपने पास यहाँ पर होते हैं। ये बाहर तो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, अंदर ये काम करना स्टार्ट करते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स अपने पास यहाँ पर होते हैं। इस क्यों, क्योंकि मैंने बोला जब ये मेरे अंदर आएंगे तभी ये काम करेंगे, मतलब जब ये मुझसे चिपक कर बैठे हैं तभी ये काम कर रहे हैं, तो जब तक मेरे साथ रहेंगे तो ये काम करते रहेंगे, इसीलिए ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो सबसे पहले किसी के ना वस की, सिर्फ किसके वस की, इवानो वस की। उसके बाद बीजिंग अपन घूमने गए, बीजरनिक, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम एंड दाग अच्छे हैं, स्टेनले अपने पास
पास वहाँ पर हो गए। इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? प्रोटीन्स होते हैं, बट डीएनए एंड आरएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दोनों प्रेजेंट नहीं होते एक वायरस के अंदर, लेकिन डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, वहाँ न्यूक्लियस है अपने पास, प्रोटीन अपने पास वहाँ पर है, तो वो कैसा होता है? वो इन्फेक्शस अपने पास होता है। तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन से बना होता है, लेकिन डीएनए एंड आरएनए से भी बना होता है, बट एक के अंदर ही दोनों चीज़ें नहीं होती। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, वो इन्फेक्शस होता है। अब वन बाय वन करके प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लांट, फिर एनिमल। तो प्लांट की सबसे छोटे से शुरुआत करो। देखो अपने पास क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले आरएनए, फिर डीएनए। तो आरएनए के अंदर क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड। डीएनए के अंदर क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। तो देखो करते हैं स्टार्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की तो कहीं अपन बात करेंगे ही नहीं, राइट? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आरएनए, आरएनए का सबसे पहला पार्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट्स में, बाकी ये तीनों के तीनों जितने भी बचे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो किसके अंदर हो गए, एनिमल्स में। और बैक्टीरियाज के अंदर भी क्या होते हैं, बैक्टीरियाज में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जेनेटिक मटीरियल किसका होता है, प्रोटीन्स का अपने पास होता है। डीएनए एंड आरएनए यहां पर होते हैं, दोनों नहीं होते, बोथ नहीं होते। इन्फेक्शस जेनेटिक मटेरियल यहां पर होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो प्लांट्स कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरिया भी कैसे होंगे, बैक्टीरिया भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। तो इनका प्रोटीन कॉट अभी अभी आपने देखा था किससे बना हुआ था, कैप्सिड अपने पास वहां पर प्रोटीन कॉट था, कैप्सिड हम लोग के पास था, जिसके अंदर छोटी छोटी सब यूनिट थी, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था कैप्सोमियर्स, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है और पॉलीहेड्रिकली ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर हेलिकली अरेंज्ड होता है। तो ये अपने पास क्या है, दिस इज आवर जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कैप्सिड, जो कि छोटी छोटी सब यूनिट कैप्सोमियर्स से मिलकर बना हुआ है। और ये कैसा है, देखो ज्योमेट्रिकली हेलिकली अरेंज्ड अपने पास यहां पर है। तो ये क्या हो गया हम लोग का जेनेटिक मटेरियल, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, कैप्सिड, जो कि छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना है, वो हेलिकली अपने पास वहां पर अरेंज्ड है, पॉलीहेड्रिकल फॉर्म में, ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड है। एग्जाम्पल क्या हो गए, एड्स बढ़ते हो, एचआईवी वायरस, एचआईवी, ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स पढ़ते हो, एड्स हो गया। दूसरा क्या हो गया, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो नॉर्मल अपने को इन्फ्लुएंजा होता है, मम्प्स हर्पीज स्मॉल पॉक्स, MHSI, MISH, MISH। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मम्प्स एंड हर्पीस। मम्प्स और हर्पीस तो हमेशा हम लोग को साथ साथ याद ही रहता है, MH, ठीक है, MH, 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 और स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स का जो पत्ता है वो ख़राब हो जाएंगे, मोजैक की फॉर्मेशन हो जाएगी, लीफ रोल कर जाएगा, कर्ल कर जाएगा, येलो पड़ जाएगा, वेन वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, पौधा ड्वार्फ हो जाएगा, ड्वार्फिंग अपने पास हो जाएगी। इनको रटने की ज़रूरत थोड़ी है, ये तो ऑटोमेटिकली, आपको अगर ध्यान से सोचोगे कि प्लांट के अंदर क्या क्या खराबी आ सकती है, तो मोजैक फॉर्मेशन हो सकती है, उसका लीफ रोल कर्ल कर सकता है, येलो पड़ सकता है, वेन क्लियरिंग या फिर ड्वार्फिंग अपने पास वहां पर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। तो प्रोटीन कॉट अपने पास यहां पर क्या हुआ, कैप्सिड हो गया, जो कैप्सोमियर से मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड को वो प्रोटेक्ट कर रहा था, हेलिकली अरेंज्ड था। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा ये कॉज कर रहा है। एड्स अपने पास एग्जाम्पल हो गया, एंड दूसरा प्लांट्स के अंदर मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग एंड ड्वार्फिंग, ये सारे के सारी चीजें प्लांट्स में हो गई।
लास्ट अपने पास बचे हैं वायराइड्स। तो डायनर ने, टी ओ डायनर ने, इन्होंने क्या दिया अपने पास 1971 में, इन्फेक्शस एजेंट। इन्होंने बताया कि ये क्या है हम लोगों के पास, इनके अंदर ये वायरसेस से भी छोटे हैं, वायरस के भी छोटे भाई वायराइड्स अपने पास यहाँ पर हो गए, ये भी इन्फेक्शस होते हैं, इनमें डीएनए आरएनए नहीं, ये सॉरी यहाँ पर अपना जो डीएनए आरएनए वहाँ पर होगा उस वाले केस के अंदर अपने पास क्या होगा, फ्री आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस के मॉलिक्यूलर वेट से कम होता है। इनके ऊपर प्रोटीन का कॉट यहाँ पर नहीं होता है। एंड कौन सी डिजीज अपने पास हो गई, पोटैटो का अपन ने उतार दिया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वायराइड्स कब हुए, टी ओ डाइनर ने 1971 में इन्होंने बोला कि ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं, इन्फेक्शस हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं, फ्री आरएनए लैग्ड प्रोटीन कॉट, ये क्या सब चीजें हो गई वायराइड्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गए। एक और चीज इसके बाद आती है, दोज आर प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो इसका मतलब क्या क्या चीजें हुई यार, सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, वायरसेस के बारे में, वायरसेस के अंदर कहीं ना कहीं हमने डीएनए के बारे में भी बात की थी, कहीं ना कहीं हमने आरएनए के बारे में भी बात की थी। उसके बाद हम लोग दूसरे उस पर आए, वायराइड्स के ऊपर आए, वायराइड्स के अंदर हम लोगों ने लो मॉलिक्यूलर वेट वाले आरएनए की बात की। उसके बाद हम लोग तीसरी चीज पर आए, प्रायोन्स के ऊपर आए। प्रायोन्स में हमने बोला कि इनके पास तो सिर्फ प्रोटीन्स ही यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो तीन चीजें अपने पास यहां पर प्रेजेंट हो गई, वायरसेस, वायराइड्स एंड प्रायोन्स। वायरसेस में अपन ने मेनली क्या बोला था, प्रोटीन्स वहां पर ते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बैक्टीरियाज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर आए वायराइड्स, जिनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग नहीं थी, वायरसेस से छोटे थे, आरएनए वहां पर प्रेजेंट था। फाइनली आए प्रायोन्स, ये भी क्या होते हैं, इन्फेक्शस अपने पास होते हैं, न्यूरोलॉजिक डिजीज अपने पास यहां पर करते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वायराइड्स तो वायरसेस से छोटे थे, पर प्रायोन्स वायरसेस से छोटे नहीं होते हैं, इनका साइज ऑलमोस्ट वायरसेस से मिलता जुलता है। तो अपना क्या होगा, बी एस ई करनी पड़ सकती है तुम लोगों को, वो तो अपनी बी एस सी होती है, लेकिन बी एस सी ऐसे याद कर लो, इसलिए पढ़ाई कर लो, प्रायोन्स को पढ़ लो, अदरवाइज बी एस ई करनी पड़ सकती है, बोवाइन स्पंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी। अगर कैटल को बोल दिया जाए करने के लिए, तो अपना काओ तो मैड हो जाएगी, मैं नहीं कर रही बी एस सी, मैं नहीं कर रही, तो कैटल के अंदर कौन सी डिजीज हो गई, बी एस सी करनी है तो मैड काओ डिजीज, और ह्यूमंस के अंदर अपना जैकब डिजीज यहाँ पर हो गई। अपने जैकब भाई साहब ने बोला ओ हो हो, मुझे वो बच्चा सी आर बन के घूम रहा था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर जो बन के घूमते हैं 11वीं 12वीं के अंदर, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई जाती है आगे एंट्रेंस क्लियर करने में, तो वो बी एस सी ही करेंगे, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो प्रायोन्स क्या हो गए, दीज आर एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स जो कि वायरसेस से सिमिलर अपने पास हैं, इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी बी एस ई। कैटल की बात करूँ तो मैड काउ डिजीज, ह्यूमंस की बात करूं तो सी आर जैकब डिजीज हम लोग के पास यहां पर हो गई। फाइनली अपने पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन बचा, जिसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जहां पर पोल्यूशन नहीं होगा वहां पर लाइकेंस प्रेजेंट होंगे, तो उसके अंदर लाइकेंस दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी, एल्गी से एंड फंजाय से। तो एल्गी क्या होती है, देखो फंगस क्या होती है, फंगस खाना खुद से नहीं बना सकती, हेटरोट्रॉपिक होती है, इसीलिए खुद को माई माई मेरा है खाना नहीं बनाती है, सिर्फ क्या करेगी, अच्छा ठीक है अपना देखो पापा मम्मा के अंदर क्या होता है, बिल्कुल उनका कोऑर्डिनेटेड है, मम्मा खाना वगैरह का मेंटेन करेगी और पापा क्या करेंगे, अपना घर वर का पैसे वैसे वहां पर कमाएंगे, शेल्टर वेल्टर का ध्यान रखेंगे। तो फंगस क्या है, और पापा थोड़ा माई माई करते रहते हैं, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते रहते हैं, मम्मा क्या करती है, मम्मा सबके ऊपर फोकस करती है, तो पापा क्या
हो गए फंजाई, माइकोबायोंट हेटरोट्रॉपिक होते हैं, शेल्टर अपना प्रोवाइड करेगी, जबकि एल्गी जो हो गई वो ऑटोट्रॉपिक होती है, वो फूड वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो सब चीज़ें खाने की चीज़ें प्रोवाइड करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद ये आया होगा। अगर आप लोग को ये पसंद आया है यार, इसी तरीके से मैं सभी के सभी लेक्चर्स को इस क्रैश कोर्स के अंदर कवर करवाने वाली हूँ A to Z। आप लोगों को मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो कि रक्षिता सिंह नाम से है, वहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो भी प्रोवाइड करवाया जा चुका है, तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर जाकर शेड्यूल उठाएँ। अदरवाइज़ आप लोग को यहाँ पर जो है ऐप के ऊपर भी हम लोग मैसेज करवा देंगे, आप लोग को यहाँ पर भी जो शेड्यूल है वो दे दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग मेक श्योर कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद नोट्स आपको यहीं पर अटैच मिलेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन सभी के सभी चीज़ों को प्लीज़ यूटिलाइज़ करना। पास्ट ईयर क्वेश्चन भी मैंने टाइप करने की फॉर्म में दिए हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग फटाफट से ध्यान से चीज़ों को करें एंड इस क्रैश कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। दिस विल बी द बेस्ट क्रैश कोर्स जो आपको 499 के अंदर मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता आपको कहीं भी कोर्स मिल पाएगा। बहुत एफर्ट्स लगते हैं यार। अब आपको क्या लगता है ये PDF, मैं तो अब क्या कर पा रही हूँ, मैं ये लाइटिंग तो मेरी है, चलो ये तो तुम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिविलाइजेशन, देखो सिविलाइजेशन मैं भी ऐसा ही लिख रही हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये नोट्स तो मेरे बनाए हुए हैं, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन ये जितने भी पीछे जितना भी काम हो रहा है बैक एंड के ऊपर, ये अपना लग रहा है, ये PPT बन रही हैं, ये स्लाइड्स बन रही हैं, ये सब मेरे अकेले के बस का थोड़ी है। मैं यहाँ पर 2 घंटा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपकी अलग अलग PDF वहां पर बन रही हैं, कुछ PDF आपके जो क्वेश्चंस आप अभी पास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसे टिक टिक करोगे ना, एक एक क्वेश्चन उठा के आपके इसके अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ऐप के अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, डिफरेंट फॉर्मेट से उसको राइट डाउन करना पड़ता है, तो बैक एंड के ऊपर बहुत ज्यादा काम चलता है। एंड सीरियसली मेरे पास जितना था मैंने इस ऐप के अंदर लगा दिया है, इससे ज्यादा मेरे पास सीरियसली नहीं है। एंड अगर अपने पास थोड़े बहुत यहाँ से फंड्स आएंगे तो हो सकता है हम चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अपने पास अपने को होगा उतना ज़्यादा हम चीज़ों को धीरे धीरे और इम्प्रूव करते जाएंगे। जो भी चीज़ें आप लोग के लिए पॉसिबल होंगी, थोड़े बहुत अपने को फंड्स मिलेंगे तो अपन फिजिक्स के भी नोट्स बनवा के अच्छे से डाल देंगे, फिजिक्स के तो हालांकि डले हुए हैं, केमिस्ट्री के भी डलवा के डाल देंगे, ट्रिक्स वगैरह के लिए किसी लोग को हायर कर लेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर अपलोड करवा पाएंगे, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मुझे नहीं लगता यार कि 499 बहुत ज़्यादा है, आई गेस इट इज़ वर्थ इट। बाकी आप लोग की मर्जी, एक सिंपल पिज़्ज़ा वगैरह भी हम लोग खरीद लेते हैं रात रात भर बैठ के। देखो मेरी आंखें भी अभी तक सूजी हुई हैं, तो रात रात भर बैठ के चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, आई गेस आप लोग इतना तो रिस्पेक्ट कर पाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से काम करो यार, लगे रहो, जय हिंद।